छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा धाम है। यहाँ पर बाबा विभिन्न रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको बता दें कि पहाड़ की चोटी पर बना सिद्ध बाबा धाम आज भक्तों और पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। सिद्ध बाबा धाम पर आने वाले भक्तों की जहाँ मुरादें पूरी होती हैं, वहीं यहाँ की सुंदरता लोगों का दिल जीत लेती है। कई धार्मिक मान्यताओं को लेकर ये मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हो गया है। भक्तों का कहना है कि बाबा की दैवीय शक्ति यहाँ विराजमान है। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मंगल कामना जरूर पूरी होती है। बताया जाता है कि पहले यहाँ पहुंचने के लिए कच्ची सड़क भी नहीं थी, लेकिन लोगों के यहाँ पहुंचने की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सड़क बनाई गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जनप्रतिनिधियों को इस स्थान के संरक्षण के लिए कोई उचित कदम उठाना चाहिए और साथ ही इसके जीर्णोद्वार के लिए भी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मैं पहुंचा हूं मसर्रा के समीप कुछ ही दूरी पर। सिद्ध बाबा दर्शनीय स्थल पर्यटन है जो कि पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ है, जहां जटाधारी बाबा जी विराजमान हैं, नागराज बाबा जी विराजमान हैं, जो कि प्रतिदिन हो सकता है या कभी भी हो सकता है। ये तो नागपंचमी के दिन हो वो निकलते ही हैं और भाग्य वालों को दर्शन मिलता है उनका। जो भाग्यशाली हैं उन्हीं वही दर्शन पा सकते हैं, बाकी वैसे दर्शन नहीं पाते हैं। बहुत ही जो दर्शन पा गए वो बहुत ही शुभकारी, बहुत ही फलदायी हैं। और जो हम जिस स्थल पर पहुँचे हैं यहाँ सिद्ध बाबा पर्यटन में, वो बहुत ही अच्छा दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। सिद्ध बाबा हमारे आज 35-36 साल का मेरा उम्र है, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से सिद्ध बाबा सर्प के रूप में निकलते हैं। पहले रोड नहीं था, कबाड़ रोड और कबाड़ था, जिसमें से गाड़ी घोड़ा आ रहे थे और नहीं चढ़ पा रहे थे गाड़ी। जब से हम नारियल अगरबत्ती फोड़ने लगे तब से कोई दिक्कत नहीं जा रहा है। बाबा के बारे में यहाँ हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से मतलब यहाँ का मनोकामना पूरा होता है। यहाँ हरदम भीड़ लगा रहता है, रोड से लगा है, रामगढ़ रोड से लगा हुआ है। इसमें हम लोग 24 घंटा की टाइम मतलब इसमें यहाँ कीर्तन रामायण होता रहता है।